हेलो एवरीवन, यह कन्वर्सेशन का दूसरा सेशन है जो स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बेस पर है। गोइंग शॉपिंग मतलब जब हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, तो यूजुअली जो कन्वर्सेशन होती है इंग्लिश में, उसके प्रैक्टिस के लिए यह सेशन है। यूजुअली मतलब आमतौर पर, कलेक्शन मतलब संग्रह, शॉपिंग मतलब खरीदारी। आप इस इमेज को माइंड में रखिएगा और ये मान लीजिए यह सनी है और यह लता है। ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और कलेक्शन के बारे में कैसे बात करते हैं, चलो हम यह देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लता, वेयर डू यू गो शॉपिंग? यह लता कहती है कि शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं। तो सनी रिप्लाई करता है, आई यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम V2 मॉल। मैं आमतौर पर V2 मॉल से स्टार्ट करता हूँ। लता, अब ये मान लीजिए इनको पता चल गया कि V2 मॉल जाना है। उसके बाद ये V2 मॉल पहुंचने के बाद लता किसी कलेक्शन को देखती है, किसी भी संग्रह को। उसके बाद पूछती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर कलेक्शन? इस कलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, जूते के हो सकते हैं, कपड़ों के हो सकते हैं। तो सनी रिप्लाई करता है, दे हैव अ गुड कलेक्शन, यह बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो लता कहती है, एंड देयर प्राइसेस आर लो टू, और इसके प्राइस लो है। तो एक बार देखिए कैसे कन्वर्सेशन होता है। वेयर डू यू गो शॉपिंग? सनी कहता है, आई यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम V2 मॉल। लता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर कलेक्शन? सनी, दे हैव अ गुड कलेक्शन। लता, एंड देयर प्राइसेस आर लो टू। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है।